आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चुनाव में कांग्रेस को मिली 18 सीट और 18 शब्दों में सिद्धू का इस्तीफा, ट्विटर और अभी भी एमएलए। डीआरडीओ ने रिकॉर्ड 45 दिन में बनाई बहुमंजिला इमारत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। पंजाब विधानसभा का पहला सेशन शुरू, नए विधायकों को दिलाई जा रही शपथ। पूर्व दिग्गज का पीसीबी अध्यक्ष को जवाब, रोहित और विराट को पाकिस्तान लीग में भेज दिया, फिर भी पैसे नहीं जुटा पाएंगे। देश में पिछले 24 घंटों में 2,539 लोगों को हुआ कोरोना, 60 मरीजों की मौत, अभी भी 30,799 एक्टिव मामले। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बहराइच उभयलिंगी समुदाय को कल्याणकारी स्कीमों, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने किन्नर समाज के अध्यक्ष हाजी रहमत को मिठाई और वॉकिंग स्टिक भेंट कर सम्मानित किया। खबर बस्ती से है, जहां कर्मचारियों और वकीलों के आपसी मुकदमेबाजी से लामबंद कर्मचारियों ने तहसील में ताला बंद कर दिया और तहसील परिसर में बैठे कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया। इस दौरान कई थानों की फोर्स तहसील परिसर में मौजूद रही। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कर्मचारियों को समझा कर कुछ देर बाद ताला खुलवाया। वो आकर के तहसीलदार न्यायालय के सामने कुर्सी लगा के लाइन से बैठे हुए थे और मैंने पूछा किस लिए, कहे कि हमारे मुंशी को, प्राइवेट मुंशी को इन लोगों के महिनात ने डराया और धमकाया है, भगाया है। तो हम कहे आप लोगों तो ने कुछ कहा, कहे नहीं हम लोग क्या कहते, हम लोग कहते तो मारते पीटते उनको हम। तो क्या तहसील में प्राइवेट मुंशियों का राज चल रहा है? हाँ जी हाँ, दलाल है तहसीलदार, एसडीएफ, सारे लोग केवल मुंशी से, सारे अधिकारियों के आरके के दलाल है, वो लोग फिट हुए हैं। कितने ऐसे प्राइवेट मुंशी हैं? सबसे कम 15 से 20। तो क्या ये उचित है सरकारी कर्मचारी? जी नहीं, जी नहीं, इसी का विरोध हो रहा है, इसीलिए एसडीएम महोदया जबरदस्ती दबाव वक्तव्य डाल रही है कि नहीं तो हम उठाकर बंद कर देंगे। नकल ले हुआ साहब, हमारे खाने से दो दौड़ी है, 7 तारीख का लफड़ा 3 सब्जी, 7 तारीख से दो दौड़ी, रोज आई जाए थे हमारे 100 रुपये आओ, 100 रुपये जाओ, चिलमा से आई थे, भाड़ा लागत है इनके, सब रोज का बोलते छुट्टी करा कर बैठा है। कितनी बार आप दौड़ दौड़ के आई हैं? हम 7 तारीख से रोज डेली आना जाना हमारे बैठे, खाली संडे नहीं आई, रोज आई तो हमारा काम ना हो तो वापस जाए। कितना रुपया अभी तक आपका खर्च हुआ होगा? अब रोज के 100 रुपये जोड़ लीजिए, खाली संडे नहीं आई, बस रोज आई जाए। भैया सब बंद बा, ताला लगा हुआ सब सारे, तो क्यों ताला लगा हुआ? अब भैया पता नहीं का सब झगड़ा कल्ला किए हैं। कितना दिन से ऐसे ताला लगा हुआ है तहसील? अब भैया आज तो हमारी तारीख रहा, आज हमारे देखा थे। और झगड़ा कितना दिन से चल रहा है? लोगों को नहीं पता, हम कितनी दूर से आए हैं? कप्तानगंज से हम लोग आए। क्या नाम है आपका? सुषमा। कई रुपया खर्च करके कप्तानगंज से आए हैं? अब भैया 30 रुपया किराया लग गया था। लगभग कितना खर्च होता है? अरे भैया 100 रुपया कम से कम मिनिमम। मामला मेरे संज्ञान में आया है और जो हमारे हरैया की बार के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ हम सामंजस्य काम करके बैठक करके इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ऐसा कोई भी इशू नहीं है जो हम बैठ के मिलकर रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं और कार्य निरंतर चलता रहेगा और जनता की जो भी समस्याएं हैं। संभल का मेडिकल ऑफिसर ओपीडी में सीट पर बैठकर सो जाते हैं, वो भी सामने वाली टेबल के ऊपर पैर रखकर। मेडिकल ऑफिसर की ये करतूत कैमरे में कैद हो गई। ओपीडी के मरीज आते रहे और वापस लौट गए तो वहीं डॉक्टर का कहना है कि झपकी आ गई थी और पैर में थोड़ी स्वेलिंग थी। सो गए थे आज ऑन ड्यूटी, आप पैर रख के टेबल पर, क्या था मामला, क्या नींद आ गई, क्या हुआ है? थोड़ा मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग आ रखी है मुझे, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए मैंने टेबल पर रख लिया था, थोड़ा सा किसी नींद का धोखा भी आ गया था।
खबर चंदौली से है, जहां अराजक तत्वों ने होलिका में लगाई आग। ग्रामीणों के अनुसार सुबह 4:30 पर अराजक तत्वों ने होलिका में आग लगाई। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने होलिका को दोबारा रखवा कर मामला फिर रफा दफा करवाया। ये भाई बहुत ये जनक संवेदनशील है, ये बजी इसको नहीं होना चाहिए। और ये जो ये दुबंगों द्वारा इसको जला दिया गया और उनको इसका भाई बहुत अभाग्यपूर्ण बात है, तो जो जलाया है उसको सजा मिलनी चाहिए प्रशासन द्वारा। ये लगभग कितने बजे जला होगा? लगभग 4:30-5 के लगभग ये जला दिया। अच्छा, तो इस पे पुलिस प्रशासन क्या बोले? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं आई, अपना होलका रखवा दी चली गई। और ये विवादी जमीन है, हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इस जमीन का निर्णय करे पहले होलके की जमीन की। मामला की कोई होलिका को जो है पहले ही आग लगा दिया, किसी को पता नहीं। अच्छा, लगभग कितने बजे लगे हुए? लगभग 4:30-5 का। तो इस पे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि होलिका जो है फिर से गड़ाया, फिर से तैयारी करके फूका जाए शाम को। पुलिस प्रशासन कुछ बोली? पुलिस प्रशासन आकर के गड़वाई है और होलिका को तैयार कराई। तो पहले से ऐसा हो रहा है कि मतलब कि पहली बार? पहले से गाजियाबाद में दिल्ली से मेरठ के बीच 2025 में रैपिड रेल रफ्तार भरेगी। प्राथमिक खंड में साहिबाबाद से दुहाई के बीच 2023 में रैपिड रेल का संचालन होगा। रैपिड रेल के कोच कैसे होंगे, इसकी जानकारी के लिए लाइव साइंस मॉडल कोच के जरिए एनसीआरटीसी की ओर से जानकारी दी जा रही है। रैपिड रेल के कोच में मेट्रो से अलग सुविधा होगी। ये रैपिड रेल कब शुरू होगी और इसके कोच कैसे होंगे, ये मेट्रो से अलग कैसे होगी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। तो जो रैपिड रेल पहली भारत की प्रथम रीजनल रेल बन रही है, वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में बन रही है। इसका प्रायोरिटी सेक्शन जो साहिबाबाद से दुहाई के बीच में, जिसमें 5 स्टेशन हैं, वो 2023 के लिए टारगेटेड है। एनसीईआरटी टीम पूरी मेहनत से लगी हुई है कि हम उसको टाइम बाउंड तरीके से शेड्यूल टाइम में कंप्लीट कर सकें। ये आपने पूछा कि मेट्रो से कैसे लेना होगी, तो मेट्रो से आप देखिए, मेट्रो सिस्टम्स हैं जो एक इंट्रा सिटी कम्यूट को देखते हैं एक शहर के अंदर, जैसे दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, ये सब। और जो रीजनल ट्रेन है, जो ये फर्स्ट टाइम बन रही है, दिल्ली अर्बन नोड्स को ये जोड़ती है आसपास 100 किलोमीटर से और स्पीड के साथ जोड़ती है, तो 3 गुना स्पीड है इसकी, 180 किलोमीटर पर आर की डिजाइन स्पीड है और स्टेशन 5-10 किलोमीटर। खबर गोरखपुर से है, जहां मतगणना से ठीक एक दिन पहले पुलिस और प्रशासन अधिकारियों की गाड़ी चेक करने वाले सपाइयों के खिलाफ कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं सपाइयों पर आरोप लगाया कि बिना चेक किए एक भी गाड़ी को विश्वविद्यालय परिसर में जाने नहीं दिया। जी, इसमें जिन लोगों ने ईवीएम को लेकर भ्रामक अफवाहें फैलाई और लोगों की भावनाओं को जगाया, भड़काया और वहां पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की, लोगों के लिए समस्या उत्पन्न की, उन हुड़दंगियों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 7CLA एक्ट भी लगाया गया है और इसमें हमारे पास सभी जो ये लोग हैं इनका फुटेज उपलब्ध है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के गेट पर हमने कैमराज लगा रखे थे और उसी के आधार पर ऐसे 100 हुड़दंगियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जिनकी शिनाख्त करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। जी, इसमें जो भी लोग कैमरे की निगाह में आए हैं, गड़बड़ी फैलाते हुए पाए गए हैं, हंगामा करते हुए पाए गए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी प्रकार से भ्रामक सूचनाएँ फैलाई हैं, उन सभी के विरुद्ध ये कार्यवाही की जाएगी। इसमें चाहे जो भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ। खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब बिक्री और निष्कासन रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया है और छापेमारी की गई। वहीं इस दौरान 160 लीटर अवैध शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर जिले में 2 दिन पहले घर से लापता हुए 2 लड़कों के शव कुएं में मिले हैं और इलाके में इसके बाद हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला गया और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मयंक विश्वकर्मा और विपुल विश्वकर्मा कानपुर के बर्रा
के निवासी हैं और यहाँ पर सुमेरपुर के पेत्योरा गांव के संतराम, उसके पिता शंकरी और उसके मामा राम स्वरूप से इनका 2 साल से संबंध था। यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों का, करीब 250-300 लोगों का मकान दिलाने के नाम पर और विभिन्न काम के नाम पर 15 से 20 लाख रुपया लिया गया था मृतक द्वारा। संतराम के परिवार से, उनके रिश्तेदारों द्वारा जब काम नहीं हुआ तो पैसे की जब डिमांड की जा रही थी वापस करने के लिए, तो ये पैसा वापस नहीं कर रहे थे और ये सारे लोग संतराम के पीछे पड़े थे। ऐसे में संतराम और इसके पिता और राम स्वरूप द्वारा मयंक शर्मा और उसके भांजे को कानपुर से बुलवा करके और उसके बाद खेत के पास इनका गला घोट करके हत्या कर दी गई। लखीमपुर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक गोरी फंटा कोतवाली पहुंचा। दरअसल युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगा ली। ये देखते ही कोतवाली में हड़कंप मच गया। पुलिस वाले कंबल लेकर दौड़े, जिसे बोरा ओढ़कर बचाने की कोशिश की गई। आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक स्थानीय नेता के भतीजे और पुलिस की वसूली से परेशान था। अभी कुछ देर पहले पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त हुई, जहां शिवम गुप्ता नाम का एक व्यक्ति, उसने गौरी फंडा थाना परिसर के पास खुद को आग लगा ली। इस पर पुलिस तत्काल रिएक्ट किया, उस व्यक्ति को अस्पताल भर्ती करवाया गया, उसके बयान नोट किए गए। उसने बयान में ये बात कही है कि वो टाटा मैजिक चलाता है गौरी फंडा से लेकर के पलिया तक, और इस पूरे प्रक्रिया को बाधित करते हैं 3-4 लोग जो उसके मैजिक को नहीं चलने देते हैं। उसने एक आरोप ये भी लगाया है कि लोकल पुलिस उस भी पक्षपात करती है दूसरे पक्षों के फेवर में। इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से SHO गौरी फंटा को सस्पेंड किया जा रहा है। जांच की जा रही है, एक जांच जो कि एडिशनल SP करेंगे, 2 हफ्ते के अंदर पूर्ण करके उसे देंगे। उस जाँच के बाद जो भी विधि कार्रवाई बनती है। खबर बस्ती से है, जहां जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बच्चे को जन्म देने वाली मां ही हैवान बन गई। बच्चे को जन्म देने के बाद उसे मारने के लिए जमीन के भीतर दफन कर दिया। इस दौरान उधर से गुजर रही एक महिला ने नवजात को आधा शरीर जमीन के अंदर और आधा बाहर पाया। महिला ने इसकी सूचना जिला अस्पताल चौकी पर दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बच्चे को चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया। इमरजेंसी ड्यूटी पे अभी पुलिस वाले एक दिन के बच्चे को जो न्यू बॉर्न था और जो है बिल्कुल नाल के साथ ही आया था, ऐसा लग रहा था कि तुरंत का डिलीवर हुआ है। जिला अस्पताल कैंपस में जो पुलिस चौकी है उसके बगल में पड़ा हुआ था मिट्टी के ढेर में, फिर लाया गया, उसको एग्जामिन किया गया, बच्चा का नाल काटा गया, सफाई की गई। बच्चा ठीक था, बड़ा वजन कम था, टाइम से पैदा हुआ था, टर्म IUGR था, जिसे IUGR बोलते हैं कि टाइम पे पैदा हुआ लेकिन वजन कम था, हल्की फुल्की सांस की दिक्कत थी, तो बच्चे को। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।